छोटा होता है ना, तो उसको हम लोग बड़ा पिंजरा नहीं, छोटा साइज का जाली से तार से घिरा वाला हम लोग बनाते हैं ना जी, तो उसी का हम लोग आज कहानी सुनेंगे। देखिए हम लोग तोते को घर में प्यार से क्या पुकारते हैं, क्या कहकर? मीठू। हाँ मीठू, वही मीठू। किताब में बुक में हम लोग क्या देख बोलते हैं? तोते। घर में हम लोग प्यार से बोलते हैं मीठू ना। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है? पेड़ है। क्या पेड़ है? कौन सा पेड़ है? दारू का। हाँ हरिया दारू का। नहीं, ये जो दिख रहा है फल देखिए क्या है? जामुन का ना, जामुन का है। और जामुन का पेड़ में दो तोते क्या कर रहे हैं? देखिए जामुन। हाँ जामुन खा रहे हैं ना, देखिए यहाँ जामुन खा रहे। इसी को हम लोग किस तरह किताब में पढ़ते हैं? जामुन के एक पेड़ में, देखिए जामुन के एक पेड़ में, ओ पेड़ पर दो तोते रहते थे। जामुन के एक पेड़ पर दो तोते रहते थे ना, जामुन के पेड़ पर दो तोते, एक पेड़ पर दो तोते रहते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन वे कुछ और खाने के लिए निकले। देखो क्या खाने के लिए निकल चुके हैं ना, आकाश में उड़ रहे हैं। फिर क्या होता है? थोड़ी दूर उन्हें थोड़ी दूर पर उन्हें आम का एक पेड़ दिखाई देता है। उस पर कुछ क्या लिखा हुआ? उस पर बहुत सारे आम लगे थे। उड़ते हुए आए कुछ दूर पर, तो यहाँ क्या मिला? दूर पर एक पेड़ मिला जिसमें आम का पेड़ मिला, और उसमें आम का फल दिखाई दे रहा है। उसके बाद उस पेड़ पर एक बंदर रहता था, वो आम का पेड़ में एक बंदर रहता था ना। बंदर दिखाई दे रहा है? कहाँ है बंदर? कौन सा फल खा रहा है? हाँ उली, जिसको हम लोग उली बोलते घर में ना। तो उस पेड़ पर एक बंदर रहता था, और वह बंदर दिखाई दे रहे थे हम लोग का। बंदर आम का पेड़ में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है आगे हम लोग देखते हैं। उसने तोतों को आम खाने दिया। बंदर क्या किया? हम लोग यहाँ देखे ना, बंदर पेड़ में था आम का पेड़ में, और यहाँ देख रहे हैं उनको, बंदर नीचे उतर गया है और दोनों तोते को आम खाने के लिए दिया है। फिर अगले आगे हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं तोते। अगले दिन तोतों ने बंदर को जामुन लाकर खाने के लिए दिया। फिर क्या एक दिन क्या किया यहाँ पर देखिए? अगले दिन क्या किया? तोता लोग अपना जामुन लाके बंदर को खाया। हाँ तोते लोग जामुन लेकर के आया, बंदर को खिलाया। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है? उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर दिन मिलकर आम और जामुन खाने लगे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि मिलजुल के मिल बांट करके मिलजुल करके रहना चाहिए और खाना चाहिए।